हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनामिका रात के 12 बजे चुपके से अपने कमरे से निकलकर हाथों में काले कपड़े की पोटली लिए धीरे से घर के गेट को खोलती है और घर से दूर चौराहे पर जाकर उस पोटली को बीच सड़क पर रख देती है। फिर घर की ओर निकल आती है। जैसे ही वो घर के दरवाजे पर आती है तो देखती है कि उसका पति नीलेश हॉल में पानी पी रहा था। वो उससे छुपते हुए खुद से बोलती है, ये इस वक्त कैसे जग गए? इनके सामने अंदर गई तो ये तो सवालों की लाइन लगा देंगे। एक काम करती हूँ, इनके जाने का वेट कर लेती हूँ थोड़ी देर। इतना बोलकर वो थोड़ी देर दरवाजे के बाहर खड़ी रहकर नीलेश के कमरे में जाने का वेट करती है और कुछ देर बाद बिना आवाज किए घर के अंदर आकर मेन गेट को बंद करके अपने कमरे में जाती है। और तभी नीलेश कमरे की लाइट्स को ऑन करके बोलता है, अनामिका इतनी रात को कहाँ गई थी? मैंने वॉशरूम में भी चेक किया, तुम वहाँ भी नहीं थी। वो मैं माजी के कमरे में गई थी, माजी इतने दिनों से बीमार है ना, तो देखने गई थी कि उन्हें नींद आ रही है या नहीं, तो बस। अच्छा, अरे तो कम से कम मुझे बता कर तो जाती, मुझे लगा पता नहीं इतनी रात को तुम अचानक कहाँ गायब हो गई। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी तो ऐसे में मैं आपकी नींद कैसे खराब कर सकती हूँ। अच्छा हुआ जो मैंने माजी का बहाना लगा दिया, और वैसे भी माजी की तबीयत ठीक नहीं है, वो जल्दी ठीक हो जाए इसीलिए ही तो काले कपड़े की पोटली वाला टोटका करके आई हूँ ताकि सब ठीक हो जाए। जिसके बाद अनामिका और नीलेश सो जाते हैं। अगले दिन अनामिका टेबल पर नाश्ता लगाती है, तभी उसकी सास सुषमा कमरे से बाहर आती है और उसे देखकर नीलेश बोलता है, माँ आप कमरे से बाहर क्यों आई? कुछ चाहिए था तो हमें आवाज लगा लेती, तबीयत ठीक नहीं है आपकी, जानती है ना आप। अरे कमरे में पड़े पड़े थोड़ा बोर हो रही थी तो आज ठीक लगा तो बाहर आ गई। चलो दवाइयों ने असर तो दिखाया, और फिर रात रात को अनामिका भी तो आपकी सेवा करती रहती है। कल रात को तो इसे कमरे में ना पाकर मैं हैरान ही हो गया था, फिर पता चला कि ये तो आपको देखने गई थी। तेरे कहने का क्या मतलब, कल रात ये मेरे कमरे में आई थी? हाँ अनामिका ने तो यही कहा, आपको नहीं पता चला क्या? हे भगवान अब क्या करूँ। हाँ शायद मैं नींद में थी तो पता नहीं चला होगा, है ना बहू? जी जी माँ जी, आइए ना नाश्ता कीजिए। जिसके बाद तीनों मिलकर नाश्ता करते हैं और नीलेश ऑफिस के लिए निकल जाता है। और उसके बाद सुषमा अपनी बहू की तरफ गुस्से से देखती हुई बोलती है, अब ये बता कल रात कौन सा टोटका करने गई थी और मेरा नाम लेकर नीलेश से झूठ क्यों बोला? माँ जी आपकी तबीयत ठीक हो जाए इसीलिए मैं गई थी रात को चौराहे पर काली पोटली का टोटका करने के लिए, और देखा टोटका करते ही आप कितनी जल्दी ठीक हो गई आज। गलत फहमी है ये तेरी, मैं कल से ही अच्छा महसूस कर रही थी और ठीक डॉक्टर की दवाइयों की वजह से हुई हूँ, ना कि तेरे टोटके की वजह से, समझी? ये सब करना छोड़ दे बहू। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। अनामिका वैसे तो पढ़ी लिखी लड़की थी लेकिन किसी मुसीबत से निकलने के लिए छोटे मोटे टोटके किया करती थी जिसके बारे में उसकी सास सब जानती थी और इसके लिए उसे बहुत समझा चुकी थी, पर वो फिर भी टोटके किया करती थी और तो और अपने आसपास के लोगों को भी बताया करती थी। एक दिन उसके घर पड़ोसन मालिनी आती है तो सुषमा उससे बोलती है, और बता मालिनी रितिका की शादी की खुशखबरी कब दे रही है? अरे बहन क्या बताऊँ, मैं तो बस उसकी शादी को लेकर ही परेशान हूँ। तुझे तो पता है ना, ना जाने कितने ही रिश्ते देखे उसके लिए पर कहीं भी बात नहीं बन पा रही, और मेरी रितिका में तो कोई खोट भी नहीं है, फिर भी अभी तक कुंवारी है मेरी रितिका। तभी वहाँ अनामिका चाय और समोसे लेकर आती है और मालिनी की बात सुनकर बोलती है, आंटी जी आप परेशान मत होइए, आप कहें तो मैं जल्दी शादी होने के लिए एक टोटका बता सकती हूँ। बहू तो फिर शुरू हो गई, चुप हो जा। अरे बहू को तो बोलने दे। हाँ बहू कैसा टोटका? अरे मालिनी इन टोटको वोटको से घर नहीं बसाए जाते, ये सब बेकार की बातें हैं। नहीं माँ जी इन टोने टोटको से ना काम जल्दी बनते हैं। आंटी जी देखिए आप रितिका को कहिएगा कि हर गुरुवार दो आटे के पेड़े बनाकर उस पर हल्दी का तिलक लगा के चने की दाल और गुड़ के साथ गाय को खिलाए, एक महीना ये उपाय करेगी ना तो जल्दी से उसके योग भी बन जाएंगे। सच में बहू? ठीक है सब करके देखा, एक बार ये टोटका भी सही, मैं बोलूंगी उसे। अरे मालिनी ये सब करने से कुछ नहीं होता,
अरे सुन तो सही। सुषमा बोलती रह जाती है, लेकिन मालिनी उसकी सुने बिना ही घर से चली जाती है, जिसके बाद सुषमा बोलती है, अरे तेरे दिमाग पर ताले पड़ गए हैं क्या? खुद तो करती ही है ये फालतू के टोटके, अब पड़ोसियों को भी बता रही है। अरे भला इन टोटकों से भी शादियां होती हैं क्या? ऐसा ही होता तो लोग रिश्ते ढूंढने की मेहनत ही क्यों करते? लेकिन माँ जी, टोटकों से फर्क पड़ता है, आप ही देखो ना, आंटी कितना परेशान थी रितिका के शादी को लेकर, अब टोटका बताने से कम उनमें एक उम्मीद तो जगी है ना। अरे बेकार की उम्मीदें देने से क्या मतलब, जिसके पूरे होने का कोई आसार ही नहीं है। देख बहू, इन सब अंधविश्वासी टोटकों से अपना ध्यान हटा और इन सब में कुछ नहीं रखा। अनामिका अपनी सास की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन अनामिका झाड़ू लेकर घर के बाहर जाती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके दरवाजे के बाहर किसी ने नींबू मिर्च और लाल कलर के चावल डाले हुए हैं। तभी नीलेश ऑफिस के लिए निकलता हुआ उस पर पैर रख देता है। तभी अनामिका बोलती है, नीलेश ये क्या किया? वही खड़े रहिए, अभी ऑफिस मत जाइए, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर वो भागी भागी किचन में जाती है और दो चार लाल मिर्च हाथ में लेकर आती है। और उसे ऐसे जाता देख सुषमा भी दरवाजे के पास जाती है, जिसके बाद अनामिका लाल मिर्च से नीलेश की नजर उतारते हुए बोलती है, आलतू जलाल तू, आई वाला को टाल तू। अरे अनामिका, ये तुम क्या कर रही हो? चुप रहिए आप, किसी ने टोटका करके घर के सामने रख दिया था और आपने अनजाने में उस पर पैर रख दिया, इसलिए आपकी नजर उतारने के लिए टोटका कर रही थी। अब हो गया हो तो उसे जाने भी दे, या कोई टोटका करेगी, अब वैसे भी गलती से पैर पड़ गया था उसका। और हाँ, इन सबको साफ कर दियो। इतना बोलकर वो अंदर चली जाती है और अनामिका खुद से बोलती है, जरूर ये काम उस बुढ़िया की बहू कामिनी का होगा, मेरे घर की सुख शांति तो बर्दाश्त नहीं होती होगी उससे, इसीलिए मेरे घर की शांति को भंग करने के लिए उसने ये सब किया, उसे तो मैं इसका जवाब देकर रहूंगी। इतना कहकर वो उस लाल कपड़े में नीलेश की नजर उतारी लाल मिर्च को रखकर फेंकने की जगह वही साइड पर रख देती है। और रात को जब सब खाना खाकर सो जाते हैं तो वो सबकी नजरों से बचकर वो लाल पोटली जाकर कामिनी के घर रखाती है। ऐसा करते हुए उसे मालिनी देख लेती है। अगले दिन सुबह जब कामिनी दरवाजा खोलती है तो देखकर हैरान रह जाती है। तभी मालिनी उसके पास आकर बता देती है कि ये सब किया धरा तो सुषमा की बहू का है, जिसके बाद दोनों उसके घर जाकर बोलती है, सुषमा आंटी, ओ सुषमा आंटी, बाहर तो निकलो जरा। क्या हुआ कामिनी बहू, चिल्ला क्यों रही है? पहले तो अपनी उस टोटके वाली बहू को बुलाओ जिसने ये लाल पोटली मेरे घर के सामने रखी है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर अनामिका भी बाहर आती है और तभी कामिनी बोलती है, क्यों रही अनामिका, इतनी भी क्या दुश्मनी जो रात के समय ये टोटका कर मेरे घर के सामने रख गई? अरे मैं क्यों भला ऐसा करने लगी, बल्कि तूने जलन के मारे मेरे घर के आगे ये सारी चीजें रखी थी। अरे कुछ तो शर्म कर अनामिका बहू, मैंने खुद तुझे अपनी आँखों से ये सब करते देखा है। बहू क्या सच में तूने ये सब किया? अरे मैंने कहा था ना तुझे कि अंधविश्वासी टोटके मत किया कर। और नहीं तो क्या, तूने जो रितिका की शादी के लिए टोटका बताया था वो भी बेकार ही निकला, अरे कुछ भी नहीं हुआ उससे तो। माँ जी, पहले ये सारी चीजें कामिनी ने हमारे घर के सामने डाली थी, बस मैंने भी फिर रिटर्न में रख दी इसके आगे और नजर उतारने वाली लाल मिर्च के साथ। अरे मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। तूने ही किया है। बस करो तुम दोनों, कामिनी बहू मैं अपनी बहू के किए की माफ़ी मांगती हूँ तुझसे, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। पर माँ जी, अगर तू चाहती है कि मुझे ऐसे लोगों से माफ़ी ना मांगनी पड़े तो आगे से तू कोई टोटका नहीं करेगी, किसी के साथ भी नहीं, ना घर में ना बाहर, समझी? ठीक है माँ जी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूँगी, लेकिन प्लीज आप मेरे लिए किसी के आगे माफ़ी मत मांगिए, अब से मैं ये फालतू के टोटके बिल्कुल नहीं करूँगी। जिसके बाद दोनों पड़ोसनी वहाँ से चली जाती है और अनामिका आगे से किसी भी प्रकार का कोई टोटका नहीं करती। शिवानी एक बहुत ही खूबसूरत और समझदार लड़की थी, लेकिन उसके चेहरे में सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली उसकी आंखें थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता और उनमें डूबने को दिल जाता। शिवानी अपनी माँ हेमलता और पिता कालीचरण के साथ दिल्ली में रहा करती थी।
एक दिन वो अपने कॉलेज से एक घर आ रही होती है तो उसे विशाल नाम का लड़का टकरा जाता है और वो दोनों गिर जाते हैं। गिरने की वजह से शिवानी के हाथ पर थोड़ी चोट लग जाती है और गुस्सा आ जाता है। उफ, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? नहीं, अरे मेरा मतलब था कि दिखाई नहीं दिया। उफ, तुम्हारी आंखें हैं या बटन जो सीधे आकर मुझसे टकरा गए? थोड़ी देर पहले तक तो आंखें ही थी, पर अब बटन ही लगने लगी है मुझे भी। कितने बेशरम हो तू, हाँ? यहाँ मेरे चोट लग गई है और तुम मुझे डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय यहाँ मुस्कुराकर मुझे फ्लर्ट कर रहे हो, हाँ? सॉरी मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। इतना भी ना कहा मैंने बोलने के लिए, हाँ? और ये मैडम मैडम ये क्या लगा रखा है? मैडम कहने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे शिवानी बुला सकते हो। वाह, आपका तो नाम भी आपकी आंखों जितना ही खूबसूरत है। बस बस, अब बहुत हो गई फ्लर्टिंग, मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाओगे या नहीं? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, आप मुझे विशाल बुला सकती है। ठीक है, तो अब चले। कहाँ? डॉक्टर के पास। और कहाँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? ध्यान तो आपकी आंखों ने छीन लिया है, कहीं नहीं, मतलब आप पर ही है। तो तुम चल क्यों नहीं रहे हो? चलो जल्दी, मुझे दर्द हो रहा है। विशाल शिवानी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और उसके हाथ पर पट्टी करवाता है। इसी बीच दोनों में बातें होती हैं और अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो अक्सर बाहर एक दूसरे से मिलने जाया करते थे और धीरे धीरे दोनों के दिल में प्यार के फूल खिल जाते हैं। कुछ समय बाद विशाल अपने परिवार वालों के साथ शिवानी का हाथ मांगने उसके घर जाता है और दोनों परिवार वालों की सहमति से उनकी शादी हो जाती है। शिवानी अपनी ससुराल में बहुत खुश रहती है। जब कोई शिवानी को देखने आता तो उसकी आंखों की तारीफ जरूर करता। एक दिन ऐसे ही विशाल के कुछ दोस्त उसके घर उसे मिलने आते हैं और सब शिवानी को देखकर कहते हैं, भाई विशाल, बीवी तो तू ढूंढ कर लाया है, हाँ? बॉस कितनी खूबसूरत है और इनकी आंखें तो क्या कहे, बस इनमें खो जाने को दिल चाहता है। कॉलेज में तो तू लड़कियों से कोसों दूर रहता था और अब लड़की ढूंढी तो वो भी ऐसी जिसका कोई दूर दूर तक कोई भी मैच ही नहीं है, एकदम। बस भी करो यार, अब तुम चलो चलो, अब कुछ खा लो, हाँ? वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि शिवानी वहाँ खाना लेकर आ जाती है और वो इतनी खूबसूरत लग रही होती है कि सबके सब उसको ही निहारने लगते हैं और वो बेचारी शर्म से पानी पानी हो रही होती है। विशाल, अब आप सबको खाना खिलवा दीजिए और प्लीज मुझे ऐसे देखना बंद कीजिए। यार, तुमको हम कैसे ना देखे, वैसे तो तुम हमेशा ही अच्छी लगती हो, पर आज तो तुम कहर डा रही हो। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, प्लीज अब आप खाना खा लीजिए। अरे भाभी, आप भी बैठिए ना हमारे साथ। नहीं सौरभ, आप खाइए, और वैसे मैं आप सब दोस्तों के बीच में नहीं आना चाहती। शिवानी, आओ आओ ना, हाँ सब इतना कह रहे हैं तो हमारे साथ बैठ जाओ। ठीक है, अब आप कह रहे हैं तो। कुछ दिन ऐसे ही बीतते रहते हैं और धीरे धीरे सभी आस पड़ोस वालों को शिवानी की खूबसूरती का पता चलता रहता है और वो किसी ना किसी बहाने उससे मिलने आते रहते हैं ताकि सिर्फ उसे एक बार देख सके। एक दिन ऐसे ही एक अजय नाम का अनजान आदमी भी शिवानी को उसके ससुराल आता है और घर के दरवाजे की घंटी बजाता है। शिवानी दरवाजा खोलती है और कहती है, आप कौन हो? आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। जी, मैं यहाँ नया हूँ, मेरा नाम अजय है। ओह, तो बताइए क्या काम है आपको, किस लिए आए हैं? जी, मैं बस यहाँ लोगों से अपनी जान पहचान बढ़ा रहा हूँ। तो मैंने कुछ लोगों से सुना था कि इस घर में कोई परी रहती है, तो मैंने सोचा कि मैं देखकर आता हूँ। अच्छा, तो आप परी देखने आए हैं, मिल गई आपको? जी, मिल भी गई और बात भी हो गई, मैंने आज से पहले कभी इतनी अच्छी आंखें नहीं देखी। आप तो वाकई में परी ही है, अब बस भी कीजिए। हाँ, अब मैं चलता हूँ, मुझे चलना चाहिए।
अजय वहाँ से चला जाता है और शिवानी अपने काम करने लग जाती है। फिर कुछ दिनों तक अजय उससे मिलने आता रहा। शिवानी को भी उससे बात करना अच्छा लगने लगा था। ऐसे ही काफी समय गुजर जाता है। फिर एक दिन अजय घर में आता है और ताका झाकी करने लगता है और कहता है, आज तो इस घर से सब कुछ साफ कर दूंगा। ऐसा कहकर वो पूरे घर में तलाश करना शुरू कर देता है। वो इस बात से बेखबर होता है कि शिवानी घर में ही है और वो सामान इकट्ठा करना शुरू कर देता है। इतने में उससे एक गमला गिर जाता है और इसकी आवाज सुनकर शिवानी भाग कर आती है और देखती है कि अजय ने काफी सारा सामान अपने कंधे पर उठाया होता है और वो यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा है। फिर वो उससे कहती है, ये तुम अरे अरे ये तुम क्या कर रहे हो अजय? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैंने सोचा कि तुम्हारा सामान साफ कर दूं। हाँ वो तो दिख ही रहा है। मतलब क्या है तुम्हारा? मैं यहाँ चोरी करने आया नहीं था। मैंने तो ऐसा नहीं कहा। हाँ ये तो तुम खुद ही कह रहे हो। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। सुनो देखो, मुझे पता है कि तुम यहाँ चोरी करने ही आए थे। मुझसे कुछ छुपाओ मत, बताओ। इसको कैसे पता कि मैं यहाँ चोरी करने के सिलसिले में आया हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं इसने मेरे बारे में कहीं से कुछ पता किया हो? अब तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? हाँ मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कुछ कहा? मुझे कुछ भी नहीं पता। बस इतना पता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। ऐसा कहकर शिवानी अजय के करीब जाने लगती है और उसकी आंखों में देखने लगती है, जिससे अजय को बहुत अलग सा महसूस होने लगता है और वो उसे अपनी बाहों में भर लेता है। फिर शिवानी उसे अपने रूम में ले जाती है। फिर उससे कहती है, चलो आज हम एक हो जाते हैं। ठीक है, अब मुझसे भी और इंतजार नहीं होता। अब आओ यहाँ लेट जाओ। और उसके हाथ बांध देती है। ये तो मुझे बांध क्यों रही हो? कुछ बोलो मत, ये मेरा स्टाइल है प्यार करने का। मैं बस अभी आई, हाँ तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जल्दी आना मेरी जान। शिवानी उसे बेड पर बांधकर बाहर आ जाती है और फिर वो विशाल को फोन करती है और उसे सब कुछ बताती है और वो पुलिस को लेकर घर पर आ जाता है। और फिर शिवानी उससे कहती है, क्या डार्लिंग कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पहले तो इसको छू कर तो दिखा। हाँ, गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर इसे। आज पहली बार इन आंखों के चक्कर में मैं जाल में फंस गया, वरना मुझे पकड़ना तो नामुमकिन था। इसके बाद पुलिस उसे वहां से ले जाती है, सलाखों के पीछे डाल देती है और शिवानी विशाल से माफी मांगती है जो भी उसने किया उसके साथ उसकी सब चीजों के लिए। विशाल उसे माफ कर देता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। अगर आज वो ना होती तो उसके घर में चोरी हो जाती और फिर वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।